हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड 2020 में जो होने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी आपकी अपडेट है, 10 लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। रीट की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और उसकी जो संभावित तिथि है वो अप्रैल या मई महीने में बताई जा रही है। तो दोस्तों, क्या है संपूर्ण अपडेट, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान की सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, साथ ही रिट और उसके अलावा दोस्तों जो आप देखने वाले हो कि पटवार भर्ती परीक्षा होगी, कांस्टेबल होगी और हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा होगी ग्रुप डी की, तो उनकी संपूर्ण अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपके सारे डाउट हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लियर होते रहेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सदस्यता ले लिखा हुआ आएगा, तो उस पर क्लिक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही बने इस बेल बटन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, मैं दैनिक भास्कर की ऑफिशियली साइट पे आ चुका हूं, जहां पर आप देख सकते हो यहां पर आज ही की एक नई अपडेट है, जहां पर लिखा हुआ है 10 लाख बेरोजगारों के लिए अधिक खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो और रीट की तैयारी शुरू होगी, ये पैटर्न और सिलेबस पर मंथन होने वाला है। यहाँ की संपूर्ण अपडेट आपको दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। आप यहां देख सकते हो आज की डेट है दिसंबर 20 की 7:11 AM पर पब्लिश हुई है। लिखा है 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, सरकार ने रिट के आयोजन की कवायद शुरू कर दी है। बेरोजगार बीएड व बीएसटीसी डिग्रीधारी 2 साल से रिट का इंतजार कर रहे हैं। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद रिट का आयोजन अप्रैल या मई में संभावित है। परीक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पास ही रहेगी। रिट के आयोजन को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोडासर ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिट का आयोजन जल्दी होना चाहिए, ताकि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शुरू हो चुके। बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। बोर्ड अधिकारियों को परीक्षा से संबंधित समस्त प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करने का निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम, संभावित तिथियों पर मंथन हुआ है। अधिकारियों अप्रैल और मई में कुछ तिथियां सुझाई गई है। अब इन तिथियों के आगे एक बार फिर से विचार विमर्श होगा, इसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। शिक्षा सचिव मंजू राजपाल माध्यमिक एवं प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मौजूद थे, यहां पर आगे की तरफ बताया गया है। तो दोस्तों, ये आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर ये सेम न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश हुई है आज ही के न्यूज़पेपर में, जहाँ तक अभी हमने यहाँ तक इसका संपूर्ण आपको वेबसाइट के माध्यम से अध्ययन किया था। अब आगे बता देता हूँ, अब की बार पूछा जा सकता है किस माध्यम पर, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है आप अंग्रेजी मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण लिखा हुआ है कि जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। नए सत्र में 167 ब्लॉकों और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी के शिक्षकों की तलाश रिट से पूरी होगी। रिट में अभ्यर्थी से पूछा जाएगा किस माध्यम से पढ़ाई की, ऐसे में माध्यम में पढ़ाई करने वाले शिक्षकों की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर गोविंद सिंह डोडासरा शिक्षा राज्य मंत्री लिखा है कि मुख्यालय की मंशा के अनुरूप युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रिट में सरकार के पात्र अभ्यर्थियों को अवसर मिलेंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर आगे की तरफ उपेन यादव जो अध्यक्ष राज्य बेरोजगार एकीकरण संघ से हैं, वहाँ पर इनके बारे में लिखा है कि रीट से पहले सरकार को इसकी विसंगति दूर करनी चाहिए। रीट के बाद शिक्षक भर्ती में स्नातक का वेजेट कम किया जाए, ताकि किसी से कोई अनपढ़ ना हो। और यहाँ पर आगे की तरफ दीपेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार संघ के, उनके माध्यम से कहा गया है कि रिट के बाद तृतीय शिक्षक भर्ती के लेवल फर्स्ट और लेवल टू अलग अलग नियमों से हो रही है, ये एक ही प्रकार के 2 नियमों में एक भर्ती करना गलत है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ कुछ आज भी अपडेट देखने को मिली है। जैसे इसका कुछ नोटिफिकेशन या रिट भर्ती परीक्षा में अपडेट आएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और भी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा और पटवारी की संपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नई अपडेट के साथ। बाय।